हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जय जगन्नाथ। पॉलिटिकल साइंस रो पांच नंबर यूनिट रो सिलेक्शन टू क्वेश्चन रे तुम्हार स्वागत और अभिनंदन। आज एजुकेशन एग्जाम कि भली हला ताहा तुम्हें कमेंट निश्चित भाव में लिखिक जनइबर पाने। ओके, आम परिश्रम करे तार फल केत पाइछे ता जानिबार आवश्यक, नितांत आवश्यक। जदि तुम भावुच मु जानिबा आवश्यक ताहले कमेंट रे जनइबो। ओके, अस्त्र शस्त्र पांच नंबर यूनिट रे पाँच नंबर यूनिट रो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक देखा ताको डिस्कशन करवा। जदि भल लगे तेल लाइक टे निश्चित भाव में करदेव। ओके, लाइव क्लास कले टे प्रोब्लम रोचे से तुमको अपलोड करके देवाई चाहूँ। टी कष्ट हुए अपलोड करवाई कौन ठीक अच्छे। अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता कौन सांप्रतिक परिस्थिति सारा विश्वर निरापत्ता को विपन्न कर अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता। अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता जेतेबले दुई बा ततोधिक राष्ट्र मध्य सामरिक प्रस्तुति को नहीं प्रतियोगिता होते सामरिक प्रस्तुति को नहीं प्रतियोगिता होते ताकु अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता बोली कहा जाए। ओके, अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता कौन सब सामिल होता है कौन सेना बाहिनी को शक्तिशाली करिबा तथा शत्रु राष्ट्र मानक आह्वान दे अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता चले सेना बाहिनी को शक्तिशाली करिबा। ओके, एवं शत्रु राष्ट्र मानक आह्वान दे अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता चले एथिरे विज्ञान और वैषयिक ज्ञान प्रयोग नूतन अस्त्र शस्त्र निर्माण गणविध्वंसी क्षेपणास्त्र परीक्षा पारंपरिक युद्धास्त्र प्रस्तुति अत्याधुनिक गुइंदा संस्था सामिल होता कौन सब सामिल होता अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता कौन जदि आसला तेल तुम्हें लिख अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता कौन जेतेबले दुई बा ततोधिक राष्ट्र मध्य सामरिक प्रस्तुति को नहीं प्रतियोगिता होता है ताकि अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता कहा जाए। एथिरे कहार परीक्षा होता है विज्ञान और वैषयिक ज्ञान प्रयोग नूतन अस्त्र शस्त्र निर्माण गणविध्वंसी क्षेपणास्त्र परीक्षा होता है पारंपरिक युद्धास्त्र प्रस्तुति अत्याधुनिक गुइंदा संस्था सामिल होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्वीन कौन रेड क्वीन प्रभाव कौन एतटा इम्पोर्टेंट नुहे हेले देखि था रेड क्वीन प्रभाव कौन युद्धास्त्र प्रतियोगिता रे कौन सी राष्ट्र अंतिम लक्ष्य स्थल रे पहुंची पारिबो नाही युद्धास्त्र जो अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता हुए से कौन सी राष्ट्र अंतिम स्थल रे पहुंची पारिबो नाही केवल गोटे राष्ट्र अस्त्र शस्त्र निर्माण रे सामयिक भाव आगुआ हो पारे मात्र केही जयजुक्त हुंती नाही केही विजयी हेबेनी अन्य राष्ट्र मानक सामरिक शक्ति को टपी आग को जीवार निशा विकास प्रक्रिया को बाधाप्राप्त करें कौन बाधाप्राप्त करें अन्य राष्ट्र सामरिक शक्ति को टपी आग को जीवार निशा विकास प्रक्रिया को बाधाप्राप्त करें एभली प्रभाव को रेड क्वीन प्रभाव कहुए क्या रेड क्वीन प्रभाव कह जो बाधाप्राप्त करण बाधाप्राप्त कर राष्ट्र को अन्य सामरिक शक्ति को टपी आग को जीवार निशा विकास प्रक्रिया को बाधाप्राप्त करने प्रक्रिया को रेड क्वीन प्रभाव बोली कहा जाउछि। ओके, नेक्स्ट हूँ शीतल युद्ध किपर भाव आरंभ होता शीतल युद्ध किपर आरंभ होता एवं क्या क्या मध्य होता यह तो जाणी अमेरिका और सोवियत रूस मध्य शीतल युद्ध होता द्वितीय विश्वयुद्ध पर 1945 अमेरिकार राष्ट्रपति ट्रू मान को उक्ति को नहीं अमेरिका और रूसिया मध्य शत्रुता आरंभ होता यह ही शीतल युद्धर आरंभ यह अमेरिका और सोवियत रूस मध्य होता देदांत युग कौन रे देदांत युग 1970 दशक शीतल युगर शीतल युद्धर शीतल शीतल युगर अवसान एवं देदांत युग आरंभ है देदांत युग 1970 दशक शीतल युग सरी अवसान घटी एवं देदांत युग आरंभ हो आंतर्जातिक राजनैतिक चित्रपटे बृहत शक्ति मानक मनरु युद्ध मनोवृत्ति चली जाए निःसर्त सहयोग स्थिति आरंभ है यह देदांत युग बोली कहगला एवं नूतन शीतल युद्ध किपर आरंभ है शीतल युद्धर अवसान पर देदांत युग बा निःसर्त सहयोग युग आरंभ है मात्र 1980 दशक युक्तराष्ट्र अमेरिका निजर स्थिति को दृढ़ करने कौशलपूर्ण सुरक्षा प्रयास बा तारका युक्त आरंभ
तारका युद्ध आरंभ कला फलस्वरूप नूतन शीतल युद्ध आरंभ होता। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ अस्त्रशस्त्र प्रतियोगिता गुरुत्व कौन रही कि गुरुत्व रही कहीं अस्त्रशस्त्र प्रतियोगिता करा जाए जातीय निरापत्तापाई अस्त्रशस्त्र प्रतियोगिता आवश्यक यहाद्वारा जातीय स्वार्थ मध्य सुरक्षित होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन निरस्त्रीकरण कौन निरस्त्रीकरण कौन अस्त्रीकरण विपरीत होची निरस्त्रीकरण यार अर्थ है शारीरिक हिंसार प्रयोग समस्त भौतिक एवं मानविक विधान विध्वंसन अर्थात निरस्त्रीकरण अर्थ हूँ अर्थ अस्त्रशस्त्र को ह्रास करने विलोप करने अर्थशस्त्र को ह्रास करने विलोप करने एक भार्गव मतरे निरस्त्रीकरण अर्थ है अर्थशस्त्र कमाइबा सह परे समाप्त करदे समाप्त करदे स्थानीय निरस्त्रीकरण कहले कौन स्थानीय निरस्त्रीकरण निरस्त्रीकरण अर्थ है अर्थ अस्त्रशस्त्र को ह्रास करने विलोप करने स्थानीय निरस्त्रीकरण अनुसार यह व्यवस्था केवल केतक सीमित राष्ट्रपाई कार्यकारी होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिबा पंचशक्ति संधि कौन पंचशक्ति संधि कौन उन्नीस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1921 मसीह वाशिंगटन ठारे अनुष्ठित नौशक्ति सम्मेलन में सातोटी संधि स्वाक्षरित होता कौटे वाशिंगटन ठारे। ओके 1921 से ही मध्य नौबाहिनी निरस्त्रीकरण उपर दुईट पंचशक्ति संधि स्वाक्षरित होता एथिरे अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस जापान इटाली स्वाक्षर करते को पंचशक्ति अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस जापान और इटाली स्वाक्षर करते पंचशक्ति संधि 1921। ओके 1921 ठीक अच्छे इंग्लैंड जर्मनी सामुद्रिक राजीनामा कौन इंग्लैंड जर्मनी सामुद्रिक राजीनामा कौन जर्मनी शासक हिटलर सामरिक शक्ति वृद्धि करने जो इंग्लैंड चिंतित हो पड़ा हिटलर तांकर सामरिक शक्ति वृद्धि कलारु इंग्लैंड चिंतार पड़गला से इंग्लैंड जर्मनी मध्य 1935 मसीह एक सामुद्रिक राजीनामा स्वाक्षरित होगा यार नाम इंग्लैंड जर्मनी सामुद्रिक राजीनामा 1935। ओके व्यापक परमाणु निरीक्षण निषेध राजीनामा केबे स्वाक्षरित होला अधिक भाव रे परमाणु परीक्षण निषेध राजीनामा। ओके जे सशक्ति जो राष्ट्र अधिक शक्तिशाली थे से माने कौन करिवे परमाणु परीक्षण करिवे तो सेति प्रति निषेध राजीनामा गोटे स्वाक्षर होला ता केबे होला ता 1996 सेप्टेम्बर 24 रे स्वाक्षर होला व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध राजीनामा 1994-96 मध्य संपादित होता यह राजीनामा युक्तराष्ट्र अमेरिका राष्ट्रपति बिल क्लिंटन सर्वप्रथमे स्वाक्षर करते। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मानविक निरापत्तार तीन गोटी वैशिष्ट्य लेख अस्त्रीकरण जो मानव समाज ध्वंस आड़क गति कर निरस्त्रीकरण आवश्यकता रही जार मूल लक्ष्य हूँ मानविक निरापत्ता कहार मूल लक्ष्य मानविक निरापत्ता निरस्त्रीकरण यार तीन गोटे वैशिष्ट है यह व्यक्तिकेंद्रिक मानविक अधिकार एक बहुविध चिंताधारा एवं मानविक निरापत्ता द्वारा मनुष्य मानक मौलिक आवश्यकता पूरण हो पार। ओके आतंकवाद कौन आतंकवाद आम पढ़ी सारी हेले यूनिट 5 रे तुम्हारा अच्छी आतंकवाद बा संत्रासवाद सांप्रतिक परिस्थिति रे मनुष समाज पाई मुख्य आह्वान। ओके जहाँ यह एक मुख्य चैलेंजेस पे आतंकवाद टी जो कार्य द्वारा हत्या शारीरिक आघात द्वारा निरीह जनता सरकार तथा आंतर्जातिक संगठन को भयभीत कर निर्दिष्ट कार्य करिबा बा न करिबा को बाध्य करा जाए ताहा को आतंकवाद कहा जाए वर्तमान समस्त राष्ट्र प्राय आतंकवाद देखा दौची। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन परिवेशर प्रकारभेद कौन प्राकृतिक परिवेश मानवीय परिवेश अश्ममंडल वायुमंडल बारिमंडल जैवमंडल को नहीं प्राकृतिक परिवेश गठित एवं जनसंख्या और जनबसती और
राजनैतिक अवस्था को नहीं मानवीय परिवेश सृष्ट। प्राकृतिक संपदर प्रकारभेद कौन? प्राकृतिक संपदर दुई भाग विभक्त, नवीकरण योग्य और नवीकरण अयोग्य संपद। नवीकरण योग्य संपद है प्राकृतिक संपद जहाँ को बारंबार व्यवहार कले तार पूर्वावस्था फेरी आसे, जपरिक जल वायु मृत्तिका। एवं नवीकरण अयोग्य संपद हूँ से ही संपद जहाँ को जहाँ क्षय हेले तार नवीकरण कौन? नवीकरण अयोग्य संपद है से ही संपद जहाँ क्षय हेले ताहा नवीकरण अयोग्य होता है, ताहा आउ थे नूतन भाव में व्यवहार करा जाय पारे नहीं। कोयला सुना रूपा ओके। वायु प्रदूषण तीनोटी कारण कौन? अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि ओके, जनसंख्या वृद्धि, काठ कोयला पेट्रोल घास पत्र इत्यादि जलाइबा द्वारा धुआं सृष्टि हुई वायु प्रदूषित होगा, कलकारखाना सृष्टि, जानवाहन निर्गत कार्बन मोनोक्साइड गैस, सक्रिय आग्नेयगिरी, सार कारखाना, कोयलार खनिज तैल ओके, बहुत गुड़े कारण अच्छे तुम भल भाव लेखिपार ओके। नेक्स्ट विकिरण प्रदूषण कौन? विकिरण प्रदूषण सबुठार अति भयंकर प्रदूषण हूँ विकिरण प्रदूषण। प्रदूषण परमाणु अस्त्रशस्त्र औषधीकरण प्रक्रियार व्यवहार, औषधीकरण प्रक्रियार व्यवहार, विद्युत रिएक्टर इत्यादि जो विकिरण प्रदूषण घटी थाए। क्या जो घटू? परमाणु अस्त्रशस्त्र औषधीकरण प्रक्रियार व्यवहार, विद्युत रिएक्टर एगुड़िकर व्यवहार जो विकिरण प्रदूषण घटी थाए। यही परमाणु निर्गत शक्ति गोटे स्थान महाशून्य द्वारा विकिरण स्थानांतरित होई थाए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 मसीह विश्व जलवायु परिवर्तन सम्मेलन केउठी अनुष्ठित होइतिला ओके। 1995 मसीहा ठारु विभिन्न पृथ्वीर विभिन्न राष्ट्र मिलित जातिसंघ तरफ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अनुष्ठित होई आसुचि। कौ वर्ष ठारु 1995 रु हेले 2017 मसीह जर्मानी बन सहर रे अनुष्ठित होइतिला ओके। प्रकृति उपरे सनंद विश्व सनंद केबे गृहीत होता यार मुख्य उद्देश्य कौन थिला? 1982 मसीह मिलित जातिसंघर साधारण परिषद प्रकृति उपरे विश्व सनंद गृहीत होता यार मुख्य उद्देश्य थिला प्रकृति को सम्मान जणाई तहार जरूरी प्रक्रिया को बाधा प्राप्त न कराइबा ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख विश्व तापमात्रा वृद्धिर कारण कौन? ग्लोबल वार्मिंग अर्थ कौन? परिवेश जनित अनेक समस्या रही से ही मध्य हूँ विश्व तापमात्रा वृद्धि। वायुमंडल सबुज कोठरी बाष्पर अत्यधिक विकेंद्रीकरण जो अत्यधिक केंद्रीकरण जो पृथ्वी पृष्ठ में मात्राधिक तापमात्रार क्रमगत वृद्धि को विश्व तापमात्रा वृद्धि कहा जाए। विश्व तापमात्रा वृद्धि कौन? वायुमंडल सबुज ग्रीन हाउस इफेक्ट सबुज कोठरी बाष्पर अत्यधिक केन्द्रीकरण जो पृथ्वी पृष्ठ में तापमात्रार क्रमगत वृद्धि पाइबा को लाउची यह विश्व तापमात्रा वृद्धि बोली कहा जाए। अम्ल वर्षा कौन? अम्ल वर्षा गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तापज विद्युत केन्द्र ओके, तापज विद्युत केन्द्र, कलकारखाना, तैल विशोधनागार, जानवाहन व्यवहार फल सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि बाष्पर निर्गमन घटे। यही विषाक्त बाष्प जलांश और वर्षा सह मिसी विभिन्न प्रकार अम्ल सृष्टि करे। जेतेबेले भूपृष्ठ को यह आसे यहाँ अम्ल वर्षा कहा जाए ओके। नेक्स्ट हूँ मानविक अधिकार कौन? मानविक अधिकार अधिकार मानविक अधिकार मनुष्य को मनुष भली बंचिबार सुजोग दिए, यह व्यक्तिर मर्यादा वृद्धि पाई सहायक होई थाए ओके। पिलामने ए सब गुडाक होची तुम्हारो पाँच नंबर यूनिट रो पॉलिटिकल साइंस पाँच नंबर यूनिट रो समस्त सिलेक्टिव टू मार्क्स क्वेश्चन गुड़िक ओके। पिलामने यही भाव में आम आज तो ये सब गुड़ाक सारीदे आउ कौन माराथन मध्यम पूर्व वर्ष गुड़िकर सबू एमसीक्यू गुड़ाक सारा एवं भिएसटी गुड़ाक मध्यम सब एमसीक्यू मध्य सारा ओके। टू मार्क्स रिलैक्सन क्वेश्चन गुड़िक थ्री मार्क्स ओके। पिला बर्तमान रही धन्यवाद। जय माता दी।